पिता ने अरबों की दौलत लुटाई, आज हमारे पास में इतना भी नहीं है कि मैं तेरे ऊपर कफन तक डाल देती। लाला रोए, आज कहने लगी भगवान मुझे इतना दे दे जो मैं अपने बेटा के ऊपर कफन डाल दूं। तेरा एक टका दे देने से कुछ भी तो नहीं घट जाएगा। आज वो माँ रोती रही, बिलकती रही,
आधी साड़ी ठान करके माँ ने जो है अपने खिलौनों के ऊपर कफन डाला है। शमशान की तरफ चली है लोगो। सुखदेव जी बोले हे राजा परीक्षित, इधर हरिश्चंद्र पहरा दे रहे हैं। कौन है? क्या इस शमशान का नियम नहीं मालूम? बिना कर और कफन के यहां मुर्दा नहीं जलता। कौन है? मैं हूं महाराज रानी तारा। रानी तारा तो तुम यहां क्या करने आई हो? बोले महाराज, हाँ आपका बेटा खत्म हो गया है। क्या? हाँ महाराज, हमारा कोई बेटा नहीं था महाराज, अब नहीं है। ये श्रीमान तुलसी राम जी क्या वचन भगवान के दरबार में भिजवा रहे हैं। मैं परमात्मा से कामना करता हूँ भगवान कन्हैया धन के भंडार भरते रहे। कहने लगे मेरा कोई बेटा नहीं, मेरी कोई रानी नहीं है। मेरी बात सुनो, आज मैं सब समझ गई महाराज। याद रहे लोगों, रानी कहने लगी महाराज, मैं समझ गई एक बात। क्या? सुनो बोलो। माँ पे विपदा परी
प्यार में कठिन भेज के ध्यान तुम्हें देखा लगा दिया प्यार करके करके रूप में दे दी। और जैसे ही हरिश्चंद्र ने वो कर वसूल किया ऐसा मालूम पड़ा लोगों मानो सारा संसार अंधकार में चला गया हो। रोने लगे, माने चिता बनाई, अपने हाथों से चिता में आग लगाई और जब मान निर्वस्त्र हो गई तब क्वार कर्म में लिखी सती के मठ में घुसी आई। तो राजा ने कालू मेहतर को बुलाया, कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र को बुलाया और एक बात कही, चले जा जाकर उसे मार के आओ। हरिश्चंद्र चले चले रहे